कर सकते हैं। खैर, हम बात कर रहे थे बलवंत जी, जैसे अपनी चर्चा में आगे बात करते हैं, डेट इक्विटी की तो बात हो गई, लेकिन अगर हम असेट एलोकेशन की बात करें तो असेट एलोकेशन कैसा होना चाहिए, और खासतौर पर तब जब एक व्यक्ति रिटायर हो चुका है? देखिए पल्लवी, अगर कोई व्यक्ति रिटायर हो गया है तो नॉर्मली उसके बाकी सब गोल वगैरह कंप्लीट हो गए होंगे। जैसे कि अगर शादी ब्याह के लिए कोई गोल्ड जैसे इकट्ठा किया है तो वो कंज्यूम हो गया होगा, और रिटायरमेंट के बाद में व्यक्ति को उस असेट में ही पैसा डालना चाहिए जिसमें वो उसको इनकम आने का गुंजाइश है। तो मुझे लगता है कि आपको ब्रॉडली जैसे गोल्ड है, गोल्ड का कोई ज्यादा यूज नहीं है, आपकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों की शादी अगर हो गई है तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है। रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे कारण है जिसके लिए एडवाइज नहीं करूंगा। तो आपको जो डेट और इक्विटी है उसमें डालना चाहिए, और चूंकि उम्र हो गई है आपकी, आप रिस्क नहीं ले पाएंगे। तो जैसे पहले आप कंसीडर कर दीजिए आपका लिक्विडिटी का रिक्वायरमेंट है, मंथली इनकम का रिक्वायरमेंट है, उसके बाद जो पैसा बचता है वो आप जहाँ पे पैसा आपका ग्रो हो वहाँ पे डाल दीजिए, और उसके लिए जैसे बैलेंस फंड है, जो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है उसमें डाल दीजिए। और पल्लवी मैं एक बात बताना चाहूँगा कि चूंकि रिटायरमेंट का गोल लंबा गोल होता है, 15 साल कम से कम चलता है नॉर्मली, तो जो रिटर्न आने की गुंजाइश है वो ज़्यादा है। और अगर आप पिछले 5 साल का लार्ज कैप का और एग्रेसिव हाइब्रिड फंड का रिटर्न देखें तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड का रिटर्न ज्यादा आया है लार्ज कैप से, जिसमें आपकी जो वॉलिटिलिटी है कम है और आपकी रिस्क भी कम है, मतलब आपके लॉस होने की गुंजाइश भी कम है। तो सीनियर सिटीजन के लिए जो पैसा ग्रो करना है, ग्रोथ के लिए जो है, वो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया ऑप्शन है। तो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स जो हैं, अगर आप उनमें निवेश करते हैं तो जैसा कि बलवंत जी भी आपको सलाह दे रहे हैं वो आपके लिए बेहतर रहेगा। और चर्चा में हम